एम्स के डॉक्टरों ने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। माँ के गर्भ में पल रहे भ्रूण के दिल का ऐसा ऑपरेशन जो विदेशी डॉक्टर भी देख के चकराए। 90 सेकंड में भ्रूण के दिल का सफल ऑपरेशन कर पूरी दुनिया में छाए। पीएम मोदी भी दिल खोलकर तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। जी वैसे तो आज के युग में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनकी कल्पना करना भी एक सपना देखने जैसा होता है। ऐसा ही मुश्किल काम एम्स के डॉक्टरों ने कर दिखाया है, जिसके बाद न केवल देश के लोग बल्कि स्वास्थ्य मंत्री से लेकर दुनिया से लेकर पीएम मोदी भी सलाम करने लगे हैं। यहाँ डॉक्टरों ने माँ के घर में ही बच्चे के हार्ट की सर्जरी कर दी। इस सर्जरी के बाद माँ और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस सर्जरी को बलून डाइटेशन कहा जाता है। इसके जरिए जन्म से पहले ही बच्चे के दिल का ऑपरेशन किया जाता है, ताकि भविष्य में उसको हार्ट से संबंधित परेशानी का सामना न करना पड़े। ये सर्जरी काफी मुश्किल होती है, लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। अब पूरा मामला आपको समझाते हैं। 28 साल की महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच में पता चला कि महिला के गर्भ में मौजूद बच्चे के हार्ट में समस्या है, जिसको ठीक करने के लिए सर्जरी की जरूरत है। डॉक्टरों ने इस समस्या के बारे में बच्चे के माता पिता को बताया और उन्होंने सर्जरी करने की अनुमति दे दी। उसके बाद डॉक्टर्स ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। महिला के गर्भ में पड़ रहे भ्रूण के दिल को इन डॉक्टरों ने महज 90 सेकंड में ही ठीक कर दिया। इस प्रक्रिया में माँ के पेट के माध्यम से बच्चे के दिल में एक सुई डाली गई, फिर गुब्बारे कैथेटर का उपयोग करके शरीर में खून के प्रवाह में सुधार के लिए बाधित वाल्व को खोला गया। आमतौर पर एंजियोग्राफी के तहत ऐसी प्रक्रिया की जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं कर सकते थे। साथ ही इसे करने के लिए ज्यादा समय भी नहीं ले सकते थे। अगर समय ज्यादा लगता तो बच्चे की मौत भी हो सकती थी। इसलिए इस मुश्किल ऑपरेशन को महज 90 सेकंड में अंजाम दिया गया और बच्चे की जान बचा ली गई। आपको बता दें, जिस महिला के गर्भ में यह बच्चा पल रहा था, उस महिला का इससे पहले 3 बार गर्भपात हो चुका था, लेकिन इस बार महिला अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। एम्स के इन डॉक्टरों ने भी वो काम करके दिखाया है जिसकी इस वक्त जमकर तारीफ हो रही है। 90 सेकंड में अंगूर के आकार के भ्रूण के दिल की दुर्लभ सर्जरी करने वाले एम्स के डॉक्टर्स की टीम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल खोलकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को अपने डॉक्टरों की निपुणता और नवाचार पर गर्व है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस सर्जरी के लिए दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, 90 सेकंड में एक भ्रूण के अंगूर के आकार के दिल पर सफल दुर्लभ प्रक्रिया करने के लिए बधाई देता हूँ। बच्चे और माँ की सलामती के लिए मेरी प्रार्थना। इस सफल ऑपरेशन के बाद माँ और भ्रूण दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की टीम को दिल से दुआएं दे रहे हैं। तो एम्स दिल्ली ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में सोचना भी किसी सपने से कम नहीं होगा। दुनिया भर में ऐसा ऑपरेशन आज तक नहीं हो पाया, इसी वजह से पूरी दुनिया एम्स के डॉक्टरों को सलाम कर रही है। आपका इस ऑपरेशन को लेकर और इन डॉक्टरों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इन डॉक्टरों की मेहनत को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं।